हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज गुड़ का मुरब्बा और शक्कर का मुरब्बा किस तरह बनाना है ये दिखाऊंगी। सबसे पहले गुड़ का मुरब्बा कैसे बनाना है ये दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 4 कैरी छोटी छोटी ली है, उसको पीलर से आप छीलूंगी। ऐसे मैं पूरी 4 कैरी छील लूंगी। एक मेरी छिलकर तैयार है, पूरी कैरी मेरी छिलकर अब तैयार है। अब मैं इसको किसनी से किसूंगी। धीरे धीरे इसको किसना है और इसकी लंबी लंबी तार गिरेगी, इस तरह हमें ध्यान रखना है। पूरी कैरी मैंने लंबी तार वाली किस ली है। अब इसके अंदर मेरा कैरी का किस जितना है उससे कम मैंने थोड़ा गुड़ लिया है। गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर अब इसको हम पकाएंगे। धीरे धीरे इसको हिलाते हुए पकाना है, बार बार इसको हिलाना नहीं है, बस थोड़ा सा हिलाकर छोड़ देंगे। फिर इसके अंदर मैंने 1 चम्मच घी डाला है। घी आप सबसे पहले भी डाल सकते हैं, उसके बाद ये घी और गुड़ मिक्स कर सकते हैं। मैंने बाद में 1 चम्मच घी डाला है। धीरे से इसको हिलाएंगे। इसके अंदर गुड़ मेरा मेल्ट हो चुका है। गुड़ का मुरब्बा बनने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 मिनट के अंदर ही बन जाता है। जैसे ही पूरा हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हमारा गुड़ का मुरब्बा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, मेरा गुड़ पूरा इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। लच्छेदार मेरा गुड़ का मुरब्बा बनकर तैयार है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। ठंडा होने पर अब इसको मैं कांच के बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। सालों तक ये गुड़ का मुरब्बा ख़राब नहीं होता है। अब इसके आगे मैं शक्कर का मुरब्बा किस तरह बनाया जाता है ये दिखाऊंगी। एक कैरी का किस मैंने एक कटोरा भर के लिया है। जितनी कैरी है उससे कम अब मैं शक्कर लूंगी। कैरी हमारी कितनी खट्टी है वो हिसाब से शक्कर इसमें डाली जाती है। 1 चम्मच घी डाला है, 4-5 लौंग, कच्चे आम का किस, कभी कभी कच्चे आम हमारे कम खट्टे भी निकलते हैं तो शक्कर थोड़ी कम डालेंगे। अब इसके अंदर शक्कर मैंने डाल दी है, इसको भी धीरे से हिलाती हुए मिक्स करूंगी। धीरे धीरे हमारी शक्कर पूरी मेल्ट हो जाएगी। शक्कर पूरी तरह से पिघल गई है। ये भी 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इलायची पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर, 2-4 इलायची के दाने डाला है। रसीला शक्कर का मुरब्बा बनकर तैयार है। इसको भी ठंडा होने पर हम कांच के बाउल में डालेंगे। आज मैंने आपको शक्कर का मुरब्बा और गुड़ का मुरब्बा ये दोनों रेसिपी दिखाई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। आसान तरीके से मैंने आज आपको शक्कर का मुरब्बा और गुड़ का मुरब्बा दिखाया है। धन्यवाद।